अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ दानिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। उम्मीद करता हूं सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को, दिली मकासिद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में पुल को देखने के हवाले से, ख्वाब में ब्रिज को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो आगे चलकर इस वीडियो में बयान की जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। ख्वाब में पुल को देखना तरक्की होने, मालो ज़र हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में पुल को बनाते हुए देखना हालात बेहतर होने और राहत मिलने की अलामत है। ख्वाब में टूटा हुआ पुल देखना या पुल को टूटते हुए देखना हाकिमे वक्त पर मुसीबत आने की अलामत है। ख्वाब में पुल से गुज़रना अगर आसानी से गुज़र जाता है तो बेहतरी और ख़ुशी की अलामत है, और अगर मुश्किल से गुज़रता है तो मायूसी और मुसीबत आने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका व खैरात करे, अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना करे, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबतों को, बलाओं को टाल देता है और अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना करेगा तो जो ख्वाब का बुरा असर है वो ज़ायल हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और सदका जारी समझ के सवाब की नीयत से शेयर भी कर दें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जहाँ की खुशियाँ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।